कि आजकल पता क्या, यूट्यूब पर वीडियो देख देख के ना बहुत सारे बंदे वो चावलों में रख देते हैं, कोई कोई आटे में, दाल में, पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई ऐसे कुछ नहीं होने वाला, उससे और फ़ोन आपका ख़राब हो जाएगा। आपका फ़ोन कभी भी पानी में गिरते ही आप किसी भी मोबाइल रिपेयर शॉप पर चले जाइए, उसको बोलिए। दोस्तों क्या हाल चाल है, दोस्तों आज बताने वाला हूँ आपको, अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाए तो आपको सबसे पहले देखिए करना क्या है। ये इस भाई ने, एक भाई मेरे पास आए कस्टमर, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक अपना दिमाग लगाया कि ये किसी भी शॉप पर आ गया, मतलब कह लीजिए मेरी शॉप पर आ गए हैं, तो इन्होंने आधा घंटा हुआ अभी पानी में गिरा हुआ, तो इनकी ये समझदारी है कि ये शॉप पर आ गए। वरना देखिए आजकल पता क्या, यूट्यूब पर वीडियो देख देख के ना बहुत सारे बंदे वो चावलों में रख देते हैं, कोई कोई आटे में, दाल में, पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई ऐसे कुछ नहीं होने वाला, उससे और फ़ोन आपका ख़राब हो जाएगा। आपका फ़ोन कभी भी पानी में गिरते ही आप किसी भी मोबाइल रिपेयर शॉप पर चले जाइए, उसको बोलिए कि भैया सर्विस कर दीजिए। तो अभी देखिए इसके अंदर पानी घुस गया पूरा, मैं ये कह रहा है कि एक दो मिनट पानी में रह चुका है। अब इसकी ना ये ऑन हो रहा है, इसकी डिस्प्ले भी अगर ये ऑन हो रहा है तो झपकी मार रही है, मतलब लाइनें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए कोशिश करते हैं हम इसको ठीक करने की, और भाई का बड़ा नुकसान होने से बचाएंगे। ये समझदारी है कस्टमर की कि वो आधे घंटे के अंदर देखिए दुकान पर आ गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी दुआ रहेगी तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसे खोलते हैं आईफोन 5, 6, 7, 8, ये सबकी डिस्प्ले ऊपर से ही निकलती है, ठीक है। कई भाई ना कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आईफोन कैसे खुलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ से इसको खोल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो दो स्क्रू इसके खोल लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दो स्क्रू खोल दिए मैंने, उसके बाद एक ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड की मदद से नीचे से उठाना है आपको, ठीक है। यहाँ इस ब्लैक ब्लैक चीज़ को आप उठाएंगे, फ्रेम को, के बाद इस पत्ते, इसको डिस्प्ले को आप इतना उठा लीजिए, ठीक है। अब ये खोलना है हमको, और सबसे पहले काम हमारा ये रहेगा कि बैटरी के पत्ता रिमूव करना भाई, और इसके स्क्रू जो भी निकले ना उसे ध्यान से रखना जहाँ आप रख रहे हो, क्योंकि जहाँ छोटा लगेगा वहाँ छोटा ही लगे। ये पत्ती इसकी हटी, और सबसे पहले हमने बैटरी का पत्ता रिमूव कर दिया। अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब बोर्ड में से करंट ख़त्म हो चुका है, सीधा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाएं और वो 100-200 जो आपसे मांगे आप उसे दे दीजिए, बोल दे कोई बात नहीं भैया मगर सर्विस कर दो बस बढ़िया से, वो पेट्रोल से कर देगा साफ। अब देखिए ये सिम तो मैंने निकाल दी, सिम में भी पानी जा रखा है, सिम ख़राब हो सकती है पानी जाने से, मगर देखेंगे बाद में। बोर्ड खोलने का, मदरबोर्ड खोलते हैं। अब ये हमारा रिंगर निकल चुका है, ये जो घंटी बजती है ना, जिसमें घंटी बजती है जिसमें, उसे रिंगर बोलते हैं। ये स्पीकर, ये भी हम रख लेंगे साइड में। अगर आप खुद से करना चाहते हैं खुद से भी कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई मशीन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब इसका पत्ता रिमूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से हीट मारेंगे और सारा पानी यहाँ से उड़ जाएगा। बस ये मदरबोर्ड है ना, ये मुझे खोलना है, ठीक है। इसको खोलने के लिए देखिए हमें करना क्या होगा, ये कैमरा निकल गया इसका, ओहो इसके नीचे तक पानी जा चुका है दोस्तों। देखिए इसके पीछे भी पानी है, मतलब भर चुका पानी इसके अंदर, कोई बात नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, करेंगे इसको। अब इसमें देखिए पहले करना क्या है, पेट्रोल ले लीजिए आपके पास, अगर पेट्रोल हो ना गाड़ी में से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लीजिए, अपनी में से निकालना भाई। और उसके बाद ब्रश की मदद से आप, क्योंकि वो पानी को लेकर उड़ जाएगा पेट्रोल। अब देखिए अब इसमें इस्तेमाल करेंगे हम थोड़ी सी हीट का, और बैटरी के ऊपर मत मारना दोस्तों है, ठीक है। बैटरी के ऊपर हीट नहीं मारनी आपको, बिल्कुल मत मारना बैटरी के ऊपर। अब इस पे हमने हीट मार दिया, अब इसको हम थोड़ा सा साइड रख देंगे। अब ये मदरबोर्ड है ना, अब इसको देखते हैं इसमें पानी कहाँ कहाँ गया है। मेन पानी तो हमें इसके अंदर से निकालना है। अब देखिए अब इसको भी हम पेट्रोल की मदद से थोड़ा सा पेट्रोल लेकर, अरे बस हल्का हल्का लगा लो, नो टेंशन। ये कैमरा है, कैमरे पे हम देखेंगे, कुछ भी नहीं है इस पर, कुछ मत मारना दोस्तों, इस पर पेट्रोल बिल्कुल मत मारना, नहीं तो कैमरा ख़राब हो जाएगा, कन्फर्म कह रहा हूँ ख़राब हो जाएगा, मत करना इसको छेड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सील होता है उसके अंदर पानी जाएगा भी नहीं।
अब देखिए डिस्प्ले के अंदर से हमें कैसे पानी निकालना है। कितने सारे स्क्रू हो गए ना यहाँ पर से, ये पत्ती हमें खोलनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर भी पानी गया होगा ज़रूर। ये इसका स्पीकर होता दोस्तों, इसके अंदर भी देखिए पानी है ना। अब हम इसकी ये पत्ती निकाल देते हैं, उसके बाद इसका स्पीकर निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों पूरा डिस्प्ले के अंदर पानी भर गया है, कोई बात नहीं, इसे हम करेंगे साफ। अगर आप कोई चीज़ भूल जाए ना तो उसकी वीडियो बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ से क्या सामान निकाला था, फिर आप वीडियो में देख के दोबारा लगा सकते हैं उसको। तो पहले सूती कपड़े से साफ करेंगे। अब इसमें भी हम पेट्रोल का यूज़ कर लेंगे। इसको देखिए देखते हैं इसको ठीक कर पाएंगे या नहीं दोस्तों। अब ये इतना तो हो गया, अब इसके स्पीकर को भी हम, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना, जहाँ भी पानी दिखाई दे आप हल्का हल्का उस पर ना कुछ। अब देखिए हम इस पत्ते को ऐसे ही लगा देंगे जैसे हमने निकाला था, जैसे हमने जो जो चीज़ें निकाली थी ना बस वैसे ही फिट करते जाना है। अब ये स्पीकर डालेंगे इसके अंदर। अब दोस्तों इसको एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं। मैंने अभी टेम्परेरीली इसको जोड़ा है, अब हम एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। अगर ये ऑन हो जाएगा तो फिर इसको हम प्रॉपर पैक कर देंगे। लास्ट में इसका बैटरी का पता लगाना दोस्तों हमको। अब देखते हैं दोस्तों अब ये हो पाता है या नहीं। तो पत्ते का ध्यान रखना दोस्तों, ये पत्ता ना कटे बस, है ना, ये होम बटन का पत्ता है। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपका प्यार है दोस्तों जो हो जाता है काम, वरना ये काम इतना आसानी से नहीं हो पाता। इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले है, ये ओरिजिनल डिस्प्ले बच गई। अब देखिए दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, वो आप कराने जाते हैं, तो वो आपको अगर फ़ोन डेड होता है ना तो वो फिर पूरा मतलब एक चार्ज लेने की कोशिश करेगा कि भाई इसको मैं पागल बनाऊँ किसी तरीके से, फिर इससे पैसे ऐटूँ। वो आपसे कई चीज़ें बता देगा, ये भी ख़राब है वो भी ख़राब है। अब मैं इसको पैक कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। पैक आप कर लेना वीडियो को पीछे करके, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। जैसे जैसे जो जो चीज़ें निकाली थी वो चीज़ें हम लगाते चले जाएंगे। हमारा फ़ोन ओके हो चुका है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, जय हिंद।